हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से ज्यादा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तीन नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो 18 वर्ष में मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रवि फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है, तो चावल खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप्स के आविष्कारक हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं कौन सी फसल है, तो रवि फसल है। और गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है गेहूं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम के साथ, सी ऑप्शन है चूना पत्थर के साथ, डी ऑप्शन है कोयला के साथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है पटना की, बी ऑप्शन है गोवा की, सी ऑप्शन है मुंबई की, डी ऑप्शन है दिल्ली की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार की सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो ये चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 22। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बांग्लादेश में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है, तो जो सैन्य सेवा होता है ये सरकारी होता है, और जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, और रेल सेवा सरकारी होता है, लेकिन जो मॉल होता है ये प्राइवेट होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है, ये सरकार का नहीं होता है, तो ये गैर सरकारी है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है सांप्रदायिक, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो जो हुआ आंदोलन था ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिए। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और पहला स्थान किसका है, तो चीन का है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो नागार्जुन परियोजना है ये कृष्ण नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पेड़ को बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर
तीस नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तीस नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए ऑप्शन है हुंडाई, बी ऑप्शन है टाटा, सी ऑप्शन है टायोटा, डी ऑप्शन है फोर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो जो टाटा है ये इंडियन कंपनी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो सभी ब्रांड है ये क्या बनाती हैं, तो ये फोर व्हीलर गाड़ियां बनाती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है चक्रीय, डी ऑप्शन है जैव। 33 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है, तो जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसद और विधायक दोनों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है तीनों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे दो दो जगह भारत हो गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो जो सुनामी है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, ये मानवकृत आपदा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, सी ऑप्शन है तीन, डी ऑप्शन है चार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है मसीहा, बी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी
ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि होची मिह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है यानी रास्ता दिखाने वाला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा 100% गारंटी है। तो अगर आप लोग लास्ट में जुड़े हैं या आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानु कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है कंबोडिया के, डी ऑप्शन है थाईलैंड के। तो यहां पे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नरोत्तम सिहानु कहां के शासक थे। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।